अमेरिकनों, अमेरिका को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आएगी, हम दुनिया में सबके साथ दोस्ती करेंगे, हम आपके साथ भी दोस्ती करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे अफगानिस्तान में निकलने से, हम आपकी मदद करेंगे कि आप किसी तरह अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के निकल जाएं, लेकिन हम आपके लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे। अमेरिका की जंग हमारे हुक्मरानों ने डॉलरों के लिए अपनाई। पहले तो मैं आप सबके ऊपर लानत भेजता हूं, शर्म आनी चाहिए। अपने लोगों का खून बेचा तुमने डॉलरों के लिए। तुम्हारा इंशाल्लाह मैं जो जो जिम्मेदार है, इन सबको हम इंसाफ के कटारे पे खड़ा करेंगे। पैंतीस हजार पाकिस्तानी मरवाए तुमने, औरतें बच्चे मरवाए डॉलरों के लिए। जो लोग बचे, किसी का बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं। डॉलर के पूजा करने वालों, तुम्हारा हम एहतसाब करेंगे इंशाल्लाह। तीन दिन पहले हमने कबायली इलाके से बड़े बड़े मौजूदीन को बुलाया, और आपको खुशी होगी ये सुन के कि उन सारे कबायली मौजूदीन ने ये कहा जो कि तहरीक इंसाफ सात साल से कह रही थी। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशंस और ड्रोन्स की वजह से दहशतगर्दी मिलिटेंसी बढ़ रही है, बदला लेने के लिए लोग तालिबान बन रहे हैं। इस मिलिट्री ऑपरेशन से ना दहशतगर्दी कम हो रही है, ना इंतहा पसंदी कम हो रही है, और ना ही अमन के कोई चांस है। और उन सब ने ये कहा, ये गौर से सुने, जो तहरीक इंसाफ का मौकफ था, उन सब ने कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज कबायली इलाके से निकलती है और अगर हम अमेरिका की जंग से निकलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कबायली लोगों के ऊपर आप छोड़ दो, हम खुद ही दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की कौम की गैरत को बुलंद करेगी।